कौशल्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्वर्ग से देवताओं ने खीर भिजवाया है। मैं ये खीर आप तीन रानियों में बांट दूंगा कौशल्या। ठीक है महाराज। राजा दशरथ उस देव निर्मित खीर को मंगवाए और खीर को तीन भागों में बांट दिया। तीनों रानियों ने अपने अपने हिस्से की खीर ग्रहण कर ली। मंथरा ये सब पीछे से देख रही थी। शेष खीर राजा ने सुमित्रा को दे दिया। आज से दुख कष्ट सारा अंधकार समाप्त हो गया है कौशल्या। इस राज्य का उत्तराधिकारी आ रहा है। पुत्र प्राप्ति के बाद अयोध्या नगरी के चारों तरफ रोशनी जगमगाएगी, रोशनी जगमगाएगी। बड़ी रानी और मझली रानी ने एक एक बार खीर खाई तो छोटी रानी भला दो बार खीर क्यों खाएगी? हिस्सा तो बराबर का ही होना चाहिए ना। तैयारे कहिए। हे देवगण, आप लोग डरिए मत। विष्णुदेव चार भागों में जन्म ले रहे हैं। दशरथ के तीन रानियों के गर्भ से जो जन्म लेंगे वो वीर होंगे, परंतु उनका साथ देने के लिए कुछ और वीरों की सृष्टि करनी होगी। अति सुंदर ब्रह्मदेव, वे सब वीर होंगे मायावी, बलशाली एवं विष्णुदेव जैसा पराक्रमी। वही होगा भगवान, आप आदेश कीजिए। अप्सरा, गंधर्वी, जक्खी, किन्नरियों को बंदर के रूप में अपने पुत्र को जन्म देना होगा। मैं आज ही जम्बू वन की सृष्टि करूंगा। इंद्रदेव, आप सृष्टि करेंगे बाली को। महाप्राकर्मी बानर कुवेर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। विश्वकर्मा निर्माण करेंगे महाकवि नल को। और पवन, महावीर हनुमान की सृष्टि करेंगे। आप लोग सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। महाराज, महाराज, एक शुभ समाचार है महाराज। क्या शुभ समाचार? क्या शुभ समाचार है दासी? महारानी कौशल्या को एक सुंदर सा पुत्र हुआ है महाराज। वाह वाह, बहुत खुशी, बहुत खुशी की बात है ये। मुझे संतान लाभ हुआ है। उस दिन चैत मास का नवमी था। कर्क लग्न, लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का साथ था। इस शुभ समय में कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक पुत्र एवं छोटी रानी सुमित्रा ने दो पुत्र को जन्म दिया। महाराज दशरथ के चारों पुत्र ने अलग अलग समय पर जन्म लिया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। समस्त अयोध्या सजाया गया एवं ब्राह्मणों को गाय दान किया गया। इस तरह 11 दिन बाद अर्थात 12वें दिन कुलगुरु वशिष्ठ देव ने दशरथ पुत्रों का नामकरण किया। आयुष्मान भव। महाराज, आपके प्रथम पुत्र हैं प्रचंड तेज अधिकारी। इनका नाम होगा रामचंद्र। रामचंद्र। और मध्यम अर्थात कैकेयी पुत्र हैं सत्य प्राक्रमी। इस पुत्र का नाम होगा भरत। भरत,
और महाराज छोटी रानी अर्थात सुमित्रा के दोनों पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरुदेव गुरुदेव, मेरे सभी पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, आपके चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न समस्त मानव जाति के लिए आदर्श होंगे और उनका मार्ग दर्शन करेंगे। इनके कर्म कांड से मनुष्य जाति शिक्षा लेंगे। आयुष्मान भव। दशरथ के चार पुत्रों से अयोध्या में सिर्फ सुख और शांति थी। चारों पुत्र सेवा और संरक्षण में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आदेश दीजिए महाराज, आदेश दीजिए। मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ, मारीच और सबाहु, आदेश, जो कोई भी तपस्या या यज्ञ करेगा उसका सर्वनाश कर दो, क्योंकि कोई भी ऋषि मुनि तपस्या या यज्ञ करके अमरत्व प्राप्त नहीं कर सके। वही होगा महाराज, आपकी आज्ञा को हर हाल में हम लोग पूरा करेंगे महाराज। ध्वंस 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 कर दूंगा सब कुछ, ध्वंस।